महाराष्ट्र में 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस और शिवसेना के नेता आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ 23 सीटों को लेकर शिवसेना अड़ी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर दो संजों में घमासान चल रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, कल ही मेरी मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत हो गई। महाराष्ट्र के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कमेटी की स्थापना की है। कल ही मेरी खड़गे साहब से बातचीत हो गई। उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि खड़गे साहब से बातचीत करिए एक बार, कि मेरी कल रात को बातचीत हो गई। खड़गे जी बेंगलोर में है, अब दिल्ली में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में जो बातचीत करनी है उसके लिए खड़गे साहब ने एक हाई लेवल कमेटी की स्थापना की है। पहले उनसे बातचीत होगी, बाद में हम खड़गे साहब से और राहुल जी से बात करेंगे। अगर लगता है कि बातचीत करनी चाहिए तो बातचीत करेंगे। संजय राउत के बयान पर जवाबी पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बिना शिवसेना लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत सकती है। तीनों पार्टी में किसी की ऐसी क्षमता नहीं कि अकेले दम पे हम लोकसभा की एक भी सीट जीत सके। जो कह रहे हैं कि मुंबई में हम सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र में सर्वात मोटा पक्ष, सबसे बड़ा पार्टी मैं, बड़ी पार्टी मैं हूं, उनको चुनौती है मेरी, एक बार फिर से दे रहा हूं कि एक भी लोकसभा की सीट मुंबई या मुंबई से बाहर अकेले दम पे नहीं चुन के आ सकते। उनको कांग्रेस की मदद चाहिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस की मदद चाहिए और हमको भी शिवसेना की मदद। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 15 दिन पहले दिल्ली में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मीटिंग हुई थी। एक तो कंफ्यूजन शायद आपको लग रहा हो, हमें इंटरनली कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक 15 दिन पहले दिल्ली में माननीय सोनिया जी, माननीय उद्धव जी और आदरणीय पवार साहब की एक मीटिंग हुई थी। उसमें सीट शेयरिंग की बहुत सारी बातें साफ हुई थी, फॉर्मूला का भी निर्णय लिया था, वो सिर्फ ऑफिशियल आप तक पहुँचाया नहीं गया। बता दें कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद से सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वहीं इस चर्चा पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार खुद बोले हैं कि उनको इंडिया गठबंधन में कोई पद नहीं चाहिए। भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लिया था, बीजेपी का एनडीए का साथ छोड़ा था, ये संकल्प और मजबूती के साथ दिख रहा है। जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो बकवास है, फालतू है। और इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रमुख भूमिका रही है विपक्ष को एकजुट करने में, और गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता की सफलता से आदरणीय नीतीश कुमार जी खुश हैं। और लगातार उन्होंने कहा है कि उनको कोई पद नहीं चाहिए, उनकी कोई नई इच्छा है। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी पर भी चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी महागठबंधन में 3 प्रमुख दल हैं। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी 3 प्रमुख दल हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी भविष्य में महाविकास अघाड़ी में भाग ले सकती है, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है।